दोस्तों जय श्री राम। आज मैं आपको फिर से रामनवमी के ऊपर स्पेशल वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूं। इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको ओपन कर लेना है अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को। सुबह भी मैंने वीडियो अपलोड की, उस पर भी आपको काफी सारा प्यार मिला। और प्लीज यार इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे। रामनवमी है तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर या अपने टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर प्लीज शेयर कर देना, ताकि अपने भाई लोग भी वो भी इस तरह का जो स्टेटस वीडियो है वो भी एडिट कर सके। ये वीडियो आपको बिल्कुल जरूर पसंद आया होगा। किस तरीके से एडिट करना है कंप्लीट आपका भाई स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। यहां पर आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉन्ग बीट का जो प्रोजेक्ट है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप आप देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एक वीडियो क्लिप देने वाला हूं, उस वीडियो क्लिप को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको कुछ 6 सेकंड का इस तरीके से एक वीडियो क्लिप आपको मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको बिल्कुल बराबर यहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको 7 सेकंड पर आ जाना है और आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर आपको क्लिक करना है। यहां पर जितने भी फोटो मैं यूज करने वाला हूं श्री राम जी के, वो सारे फोटो मैं आपको दे दूंगा, आप उन सभी को इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। फोटो को आपको सेलेक्ट करना है और आपको यहां पर क्या करना है, अगली बार बीट पे जाना है, ज्यादा फोटो आप यहां से हटा देंगे, थ्री लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे तो फोटो है वो यहां पर आपका फिट हो जाएगा। इस तरीके से ऐड कर लेना है। वापस प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे, अगले बार बीट पे जाएंगे, ज्यादा फोटो को हटा देंगे, फोटो पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे। वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे, नेक्स्ट बीट पे जाएंगे, ज्यादा फोटो को हटा देंगे, फोटो पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे। वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करना है और थ्री लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे। ये ऑलरेडी साइज के अंदर फिट है, इसको ज़्यादा फिल स्क्रीन करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगली बार बीट पे जाके ज़्यादा जो फोटो इसको आप यहाँ से हटा देंगे, फोटो पे क्लिक करके आगे जाएंगे। वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे, अगले बार बीट पे जाएंगे, ज़्यादा फोटो हटा देंगे, फोटो पे क्लिक करके आगे जाएंगे। जिस तरीके से मैंने फोटो ऐड किया ना, उसी तरीके से आपको लास्ट तक सभी फोटो को कम्प्लीटली ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी फोटो को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सभी फोटो को कम्प्लीटली ऐड कर दिया, आपको भी सभी फोटो को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देना है। सभी फोटो कम्प्लीट ऐड हो जाने के बाद इन फोटो पर आपको इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। तो आप ऊपर से आगे आएंगे, ओपन करेंगे सेक इफेक्ट के प्रोथ को। यहाँ पर आपको ये जो रेप्टेंगल ये वाले फर्स्ट वाले, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ से इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। ऊपर से आगे आ जाएंगे, ओपन करेंगे सॉन्ग बीट के प्रोथ को। उसके बाद जहाँ से आपके फोटो स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर आपको आ जाना है 7 सेकंड पर। फर्स्ट वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, सेकंड फोटो को छोड़ देंगे, थर्ड वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर लास्ट तक जो भी फोटो है उन फोटो पर आपको इफेक्ट डालने के लिए आपको करना है, एक फोटो पर डाल देना, दूसरे को छोड़ देना, तीसरे पर डाल देना है, वापस चौथे को छोड़ देना। इस तरीके से आपको एक फोटो को छोड़ना है, दूसरे फोटो पर इफेक्ट को डाल देना। तो ये प्रोसेस आपको लास्ट तक करना है, एक फोटो पर डाल दिया, दूसरे फोटो को छोड़ देना, एक फोटो पर डाल दिया, दूसरे फोटो को छोड़ देना, ये प्रोसेस आपको लास्ट तक करना है सभी फोटो। ठीक है, मतलब एक एक फोटो को छोड़ देना और बाकी दूसरी जो फोटो है उन पर आपको इफेक्ट को डाल देना। जैसे हमने इस पर डाल दिया, इसको छोड़ दिया, इस पर डाल दिया, इसको हमने छोड़ दिया, और इस पर डाल दिया, इसको हमने छोड़ दिया, इस तरीके से आपको डाल देना है। उसके बाद बाहर आ जाएंगे, ओपन कर लेंगे सेक इफेक्ट के प्रोजर को, दूसरा ये वाला इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ से कॉपी करना है। ऊपर से आगे आएंगे, ओपन करेंगे सॉन्ग बीट के प्रोजर को। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले फोटो पर हमने डाल दिया, और उसके बाद आपको सेकंड जो फोटो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट करना है, और उसके बाद ये थर्ड वाला कंप्लीट है, वापस फोर वाले पर आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ से लेकर लास्ट तक जो भी हमने एक एक फ़ोटो छोड़ दिए थे ना, उन सभी फ़ोटो पर आप यही वाली इफेक्ट पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो आपके फ़ोटो है वो यहाँ पर आने लग जाएंगे। आपको लास्ट तक यही प्रोसेस करना होगा, तो आपके सभी फ़ोटो में इफेक्ट पेस्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद वापस ऊपर से आगे आएंगे, ओपन करेंगे सेक इफेक्ट के प्रोथ को, नीचे जो रेप्टेंगल इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर बीच में क्लिक करके कॉपी लेयर करेंगे, ऊपर से आगे आएंगे और ओपन करेंगे सॉन्ग बीट के प्रोजर को। इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट 7 सेकंड पे आ जाएंगे। उसके बाद बीच में क्लिक करना है, आपको पेस्ट लेयर पे क्लिक करना है, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर इस वाली बीट तक आपको इस सेप को रखना होगा। तो इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इसकी साइज को आपको कम कर लेना, देखिए जितना म्यूजिक उतना ही हमारा फोटो लेयर सब कुछ बराबर है। इस तरीके से आपको उसको सेट कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो लेयर है हमने ऐड करके 7 सेकंड पे आप आ जाएंगे। प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले
यहाँ पर आपको वो जो एक नेम पीएनजी में आपको देने वाला हूँ जय श्री राम की, इस तरीके से उसको डाउनलोड कर लेना है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे मूव एंड ट्रांसफर के लिए, इसको आप यहाँ से हटाएं मतलब कम करेंगे साइज को, और इसको परफेक्टली आप यहाँ पर सेट कर देंगे बिल्कुल सेंटर में, इस तरीके से सेट हो जाएगी। आगे आ जाएंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करके रखना है, लास्ट में जाएंगे स्क्रॉल करके और आपको यहाँ पर क्लिक देना है, इसकी जो साइज़ है वो लास्ट तक हो जाएगी, इस तरीके से इसको ऐड कर लेना है। ओके, ये प्रोसेस होने के बाद अब आपको यहाँ पर टोटल दो टैंपलेट में देने वाला हूँ, तो आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले जो आपको टैंपलेट मिलेगा वो टैंपलेट आपको कुछ मतलब स्टार फिल्ड टाइप का मिलेगा, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस टाइप का आपको ये वाला टैंपलेट आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक देना है और यहाँ पर आपको डायरेक्ट 7 सेकंड पे आ जाना है, टेम्पलेट पे क्लिक करना है, फालतू को यहाँ से हटा देंगे और इसके अंदर कोई म्यूजिक होता है तो आवाज़ को आप यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करना है, लाइटन पे क्लिक करके आपको स्क्रीन पे क्लिक देना, तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। ओके, अब आपको आ जाना है 7 सेकंड पर, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर जो दूसरा मैं टेम्पलेट दे लूँगा ये वाला आपको दूसरा टेम्पलेट मिल जाएगा, आपको प्लस पे क्लिक देना है, टेम्पलेट ऐड हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, देख लेंगे आपका जो वीडियो है वो कहाँ तक है, वीडियो इस बीट तक है तो आपको इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करके लाइटन पे क्लिक करना है और स्क्रीन पे क्लिक देना है, जो ब्ले कलर वो हट जाएगा और इस तरीके से हमारा टेम्पलेट वो कम्प्लीटली ऐड हो जाएगा। ओके, ये काम होने के बाद आपका वीडियो पूरा कंप्लीट एडिट हो चुका है। जस्ट ऊपर आपको सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो को सिलेक्ट करके एक्स